नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल साइड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास वीवो का स्मार्टफोन है तो उसमें एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन आपको दिखाई देता है, आई मैनेजर। तो आई मैनेजर का क्या यूज़ है, क्या बेनिफिट है, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ध्यान से देखना। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास आई मैनेजर है, यहाँ पर जो सिस्टम बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन है उसको मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया हूँ। ऑन करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप वेट कर लेना, और मैं इसका कुछ जो टिप्स है ट्रिक्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आई मैनेजर में आप जैसे ही आप देखोगे, सबसे ऊपर ऑप्टिमल स्टेटस रीच को ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसको एक बार क्लिक कर लेना, क्लिक करने से क्या होता है कि जो ऑप्टिमाइज होता है, जो वायरस उसमें डिटेक्शन होता है या सिक्योरिटी होता है, वो अपने आप इसमें डिटेक्ट करता रहता है। तो जैसे ही 100% हो जाए तो यहाँ पे आपको डन पे सीधा क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद सिक्योरिटी स्कैन पे भी एक बार आपको क्लिक कर लेना है, ताकि आपकी फ़ोन के अंदर कोई वायरस या सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी तो लीक नहीं हो रही। उसके बाद एक ऑप्शन दिखाई देगा स्पेस क्लीनअप। स्पेस क्लीनअप में हमेशा आप क्लीन करते रहना, सो दैट कि कुछ मेमोरी आपको जो स्पेस है वो बच जाए, ठीक है। क्लीनअप ऑल में क्लिक कर देना, और इसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही आपका जो मेमोरी है वो जस्ट थोड़ा सा क्लीनअप हो जाएगा, कोई अगर वायरस वगैरह तो वो सारे डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे फॉरगॉटन वीडियोस है, इसमें आप जैसे क्लिक करोगे तो जो वीडियो आप नहीं देखते हो या आप भूल चुके हो, वो आपके फ़ोन मेमोरी में पड़ा है, तो उसे आप क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जस्ट नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पे लार्ज फाइल क्लीनअप का ऑप्शन दिखाया देगा, इसको भी आप एक बार क्लीन कर लेना है, ठीक है। इसमें आप एक बार चेक कर लेना है, कोई आपका मतलब कोई बड़ी फाइल तो नहीं है जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे हो और आपके फ़ोन में वो पड़ा हुआ। तो इस तरीके से आप आई मैनेजर को यूज़ करने को फ़ायदे क्या है वो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। आई मैनेजर का फ़ायदा क्या होता है कि आपके फ़ोन में जो भी कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, स्पेस से रिलेटेड हो गया, मेमोरी से, कोई वायरस से, वो अपने आप डिटेक्ट करता रहता है और आपको फ़ोन को लाइफ को अच्छे से क्लीन करता रहता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, आपके जो मेमोरी में स्पेस है वो भी बचा रहता है, प्लस कोई अननेसेसरी की वीडियो जो डाटा कवर करके रखती है उसको डिलीट कर देती है। सिक्योरिटी स्कैन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपके मोबाइल की सिक्योरिटी और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है तो आपको बार बार सिक्योरिटी स्कैन करना चाहिए आई मैनेजर पर जाके, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्टिमल स्टेटस रीच का ऑप्शन है, इसे 100% अगर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इसमें कुछ भी वायरस डिटेक्शन होता है तो उसमें रेड कलर में आ जाएगा, तो इसे बार बार ऑप्टिमाइज करते रहना चाहिए ताकि आपके जो फ़ोन का जो क्लीनअप है वो ऑप्टिमाइज हो सके बार बार। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से कुछ भी अगर आपको सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।